हेलो। चलिए, हम लोगों ने कल यानी सैटरडे को कुछ क्लास में हम लोगों ने काम किया था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है। उस क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस करना है। और जैसे सबसे पहले क्या दिया था, क्या था? ओके। देखिए यहाँ पर क्या है, एक फार्मूला दिया था हमने, ओपी इक्वल टू एम आर टी, ठीक है। एम का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, आर का मतलब क्या था, गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 0.0882 मोल पर मॉलिक्यूल, और टी फॉर टेम्परेचर। ओके, तो अगर कह रहा है किसी भी कंपाउंड का कि 1 मोल ग्लूकोज का, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो आप इसको एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कह रहा है, ठीक है। तो 1 मोल ग्लूकोज का ओपी इक्वल टू वाट, ओपी ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको निकाल सकते हैं, ग्लूकोज का 1 मोल का ओपी यानी ऑस्मोटिक जो प्रेशर है यानी वो क्या होगा। तो एम का मतलब कितना दिया है, 1 मोल दिया है। 1 इंटू गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 0.082, 0.082, और टेम्परेचर कितना दिया है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको फ़ारेनहाइट में बदलना होगा, तो कितना कर देंगे, 273 होता है ना, फ़ारेनहाइट में 273। इस वैल्यू को कैलकुलेट करके देखिए कितना आता है, 273 को 0.082 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, कितना? नहीं, ट्वेंटी टू पॉइंट फोर एटीएम आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, मान लो कि 1 मोल NaCl सॉल्यूशन एंड 1 मोल शुगर सॉल्यूशन, 1 मोल NaCl सॉल्यूशन एंड 1 मोल शुगर सॉल्यूशन, देन द मूवमेंट ऑफ वाटर Then the movement of water occurs on which direction? क्या हो जाएगा? वाटर का मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, कब, जब 1 मोल NaCl का सॉल्यूशन हो एक तरफ और दूसरे तरफ 1 मोल शुगर का सॉल्यूशन हो, देन वाटर का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होगा। कहने यहां पर देखिए कि यहां पर इस तरह से बेटा सॉल्यूशन है, ये दो अलग अलग सॉल्यूशन है,
और दोनों सॉल्यूशन को एक मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ है। इधर का सॉल्यूशन जो है वह NaCl का है, मान लीजिए ये 1 मोल NaCl का सॉल्यूशन है, और इधर ये जो ब्लैक है वह 1 मोल शुगर का है, या 1 मोल ग्लूकोज कर दीजिए, डायरेक्ट 1 मोल ग्लूकोज का सॉल्यूशन है। अब इसके हिसाब से पूछे हम कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों में सेम है, 1 मोल इधर भी है 1 मोल इधर भी है, जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम है फिर भी वाटर का मूवमेंट किधर से किधर की ओर होगा, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन देखते हैं। तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज सिमिलर इन बोथ सॉल्यूशन, बट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक का जो प्रेशर है वो इधर ज्यादा है इधर कम होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इस वजह से वाटर का मूवमेंट जो है वह किधर से, तो 1 मोल ग्लूकोज से 1 मोल NaCl की ओर होगा। लिखेंगे इसका आंसर, द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज सिमिलर द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज सिमिलर, बट NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड ग्लूकोज इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, सो वाटर विल मूव फ्रॉम ग्लूकोज टू NaCl, सो वाटर विल मूव फ्रॉम ग्लूकोज टू NaCl, वाटर विल मूव फ्रॉम ग्लूकोज टू NaCl, हो गया, वाटर विल मूव फ्रॉम ग्लूकोज टू NaCl, हो गया ये। अब इसके बाद क्या था, हमने आपको बोला था ढूंढ के आने को लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस और इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, इसके साथ साथ एक और होता है एविडेंट, मिला आपको, कितने लोगों ने खोजा इसे, ओके, और कितने लोगों ने नहीं खोजा, क्यों नहीं खोजा, तुमने खोजा, क्यों हाथ भी नहीं उठाए, अलग से इनविटेशन कार्ड छपवाना पड़ेगा कि आपने ये काम नहीं किया है बेटा, इसलिए आपके लिए अलग से इनविटेशन कार्ड है, हाथ उठाना है या नहीं, ठीक है। चलिए, जिन्हों लोगों ने नहीं खोजा वो हर काम को टाइम पे करना स्टार्ट कीजिए, सैटरडे को लगा होगा कि अभी बहुत टाइम है, तब तक आ गया होगा संडे, और संडे को लगा होगा कि अभी पूरा दिन है, शाम को देख लेंगे, और जब शाम हुआ होगा तो लगा होगा सुबह 10 बजे जाना है, 12 बजे तक जाना है, सुबह देख लेंगे, और सो के उठे होंगे 8-9 बजे, धीरे धीरे तैयार हुए होंगे, टीवी देख के नाश्ता किए होंगे, तब तक हो गया होगा टाइम आने का, फिर सोचा स्कूल में चल के देख लेंगे, और स्कूल में आए तो फिर टाइम ही नहीं मिला, तब तक क्लास स्टार्ट हो गई किसी एक पेपर की, केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया होगा, तो चलो छूटा का छूटा रह गया, इसीलिए छूटते छूटते चीजें इतनी ज्यादा छूट जाएगी, अभी तक तो क्या कर रहे थे लॉकडाउन में, छोड़ ही तो रहे थे, अभी तक आप छोड़ ही रहे थे, इतने सारे चीजें आप लोगों ने छोड़ दिया है,
कि जिसको कवर करने के लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, तब भी आप नहीं कर रहे हैं, तो छूटते छूटते इतनी चीजें छूट जाएगी कि फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हर काम हमें, सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम हर काम के लिए सोचते हैं कि अच्छा अभी बहुत टाइम है, और वो टाइम सोचते सोचते कब निकल जाता है हमें पता नहीं चलता है। जैसे पर डे आप सोचते हो कल से 8 घंटा पढ़ेंगे, आज से कभी डिसाइड नहीं करते हैं, अभी से नहीं डिसाइड करते हैं, दिमाग में क्या आता है कल से 8 घंटा पढ़ेंगे, कल से 5 घंटा सेल्फ स्टडी, स्कूल से आएंगे और चालू हो जाएंगे। लेकिन फिर जब कल आती है तो फिर लगता है आज तो बहुत थक गए, कल से तो पक्का करेंगे। और इसी तरह पर डे एक एक दिन आपके हैं, मुट्ठी से जैसे रेत निकलता है, रेत को कभी पकड़ के नहीं रख सकते, एक मुट्ठी रेत लो जितना कस के दबाओगे उतना धीरे धीरे वो बाहर फिसल के आ जाएगा। ये टाइम उसी तरह होता है करियर का, जितना ज्यादा आप सोचोगे ना कल कल कल, रेत की तरह फिसल के निकलते चला जाएगा। इसीलिए उसको आराम से एकदम लेके और स्मूथली बिना बर्डन का बिना टेंशन का पढ़ने की कोशिश कीजिए, हर चीज दिमाग में रहेगा, खुश मन से रहिए और पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब आइए लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस क्या कहता है। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस बताइए, बोलिए फटाफट बोलो। ओके वेरी गुड। द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इन विच एग ऑस्मोसिस विल स्टार्ट, जब एग ऑस्मोसिस स्टार्ट होता है यानी सेल से वाटर निकलना स्टार्ट होते हैं, तो वो उस यानी प्लाज्मोलाइसिस का जो पहला इनिशियल स्टेज है जिसमें वाटर अभी निकलना स्टार्ट ही हुआ है, दैट इज द इनिशियल ये लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस लिखेंगे। इट इज इनिशियल स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस मैंने पेज छुड़वाया था। ये कौन सी बुक है, थ्योरी वाली? देखो नई वाली है। ओके इसमें तो दिया है ना, लिखे है इसमें से। लिख लिए द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस कॉल्ड लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। कॉल लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस तब लिखेंगे फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल लिखेंगे एट लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। एट लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस एट लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस डी प्रेशर पोटेंशियल इज जीरो। द प्रेशर पोटेंशियल इज जीरो and the osmotic concentration of cell interior is just equivalent, osmotic concentration of cell interior is just equivalent to that of external solution the cell is called flaccid cell। flaccid cell कहाँ दिखाया था मैंने? yes good। यानी जब अंदर का और external solution का और internal solution के concentration लगभग क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन को यानी उस स्टेज के सेल को क्या कहते हैं,
फ्लैश शीट सेल, इसलिए मैंने वहां पर डायग्राम में दिखा दिया था आपको। अब लिखेंगे लिखेंगे द सेंट्रल वैक्यूल, द सेंट्रल वैक्यूल श्रिंक SHRINKS, द सेंट्रल वैक्यूल श्रिंक फर्दर काउजिंग ए सिमिलर, द सेंट्रल वैक्यूल श्रिंक फर्दर काउजिंग ए सिमिलर श्रिंकेज ऑफ, फर्दर काउजिंग ए सिमिलर श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फर्दर काउजिंग ए श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल फुल स्टॉप। देखें प्रेशर पोटेंशियल बिकम्स निगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल बिकम्स निगेटिव, प्रेशर पोटेंशियल बिकम्स निगेटिव फुल स्टॉप। इनिशियली द प्रोटोप्लास्ट, इनिशियली द प्रोटोप्लास्ट विड्रॉ इट्स सेल्फ फ्रॉम कॉर्नर, इनिशियली द प्रोटोप्लास्ट विड्रॉ इट्स सेल्फ फ्रॉम कॉर्नर, विड्रॉ इट्स सेल्फ फ्रॉम कॉर्नर। दिस स्टेज इज नोन एज, दिस स्टेज इज नोन एज इनसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, दिस स्टेज इज नोन एज इनसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। उस प्लाज्मोलाइसिस को, यानी कि जो इस तरह से हमारा प्लांट सेल है और बड़ा सा वैक्यूल जो वाटर के कंटेंट को स्टोर करता है, जब कंटिन्यू वाटर को इसमें से निकालते चला जाएगा तो कॉर्नर से ये सेल वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कॉर्नर से पहले सिकुड़ना स्टार्ट होगा और धीरे धीरे उसके प्रोटोप्लास्ट कम होते चले जाएंगे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिकुड़ने लगेगा। तो जो कॉर्नर से पहले सिकुड़ना जो स्टार्ट होगा, यानी उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, इनसेपिएंट प्रोटोप्लास्ट, ये इनसेपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। और कॉर्नर से भी निकलने के साथ साथ और ज्यादा पानी बाहर निकल गया पूरी तरह से तो पूरा सिकुड़ जाएगा एकदम, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। लिखेंगे इसको अब एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ड्यू टू कंटिन्यू एक्जोस्मोसिस, ड्यू टू कंटिन्यूड एक्जोस्मोसिस ड्यू टू कंटिन्यूड एक्जोस्मोसिस प्रोटोप्लास्ट श्रिंक, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक फर्दर एंड विड्रॉ, प्रोटोप्लास्ट श्रिंक फर्दर एंड विड्रॉ, फर्दर एंड विड्रॉ फ्रॉम द सेल वॉल, विड्रॉ फ्रॉम द सेल वॉल एक्सेप्ट वन और ए फ्यू पॉइंट, एक्सेप्ट वन और ए फ्यू पॉइंट। इट इज नोन एज एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, इट इज नोन एज एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, इट इज नोन एज एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, इट इज नोन एज एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ये हो गया।
चलिए, हम लोग उस दिन कहाँ पे थे? आप लोग को जो होमवर्क देते हैं वो आपको करके आने के लिए होता है, ना कि इस तरह से अपना मुखड़ा और थोबड़ा दिखा के यहाँ आने के लिए होता है। अगली बार से आपको इस बात का ध्यान रहे। ट्रांसपायरेशन चल रहा था। ट्रांसपायरेशन में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसपायरेशन का मतलब कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो जब वाटर की क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बढ़ जाता है। जनरली ट्रांसपायरेशन जो है वो एक फिजियोलॉजिकल एक्शन है प्लांट का, जिससे प्लांट अपने बॉडी के फिजियोलॉजिकल एक्शन को मेंटेन करता है। दैट मींस कि अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करेगा थोड़ा, उसके साथ साथ यह एक एसेंशियल फिनोमेना है, यानी प्लांट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब वाटर की क्वांटिटी एक्सेस होती है तो उस एक्सेस वाटर को रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को बढ़ा करके यानी कि क्या करता है, वो बाहर निकाल देता है। तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो वाटर के कंसंट्रेशन और स्टोमाटा दोनों पे डिपेंड करता है। ट्रांसपायरेशन जो है वो प्लांट के तीन पार्ट से मेन रूप से होते हैं। सबसे मेजर पार्ट जो है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है, उसके बाद क्यूटिकल से होता है, और तीसरा पार्ट लेंटिसेल से होता है। लेंटिसेल बहुत कम पार्ट कवर करता है, सिर्फ टोटल ट्रांसपायरेशन का 1% पार्ट कवर करता है। कौन? लेंटिसेल से। और बाकी का जो पार्ट है, डैट मीन्स कि आपका एस्टोमाटा से लगभग कितना पार्ट, तो 89-90% पार्ट अकेले कवर कर लेता है। अब देखिए बाकी का 9-9.9% पार्ट जो है वह क्यूटिकुलर होता है। तो ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। लिखेंगे क्या क्या लिख लिए थे इसमें, थोड़ा बताएंगे। तीन का बटाना है। नंबर वन पे क्या लिखे हैं? एस्टोमाटा है, ठीक है, लिखेंगे। लिखेंगे अबाउट 89-90% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन, अबाउट 89-90% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू एस्टोमाटा। एस्टोमाटा इज ए स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन लीफ एंड ग्रीन स्टेम। क्यूटिकल क्यूटिकल इज ए वैक्सी मटेरियल ऑन एपिडर्मिस ऑफ प्लांट। अब प्लांट का एपिडर्मिस क्या है भाई? जैसे आपके बॉडी का सबसे आउटर पार्ट स्किन है, उसी तरह प्लांट का सबसे आउटर पार्ट क्या है? एपिडर्मिस है। और जैसे आपके स्किन के ऊपर कुछ माइन्यूट हेयर निकले हुए हैं जो स्वेटनिंग का काम करते हैं, उसी तरह प्लांट के एपिडर्मिस पे एक क्यूटिकल का लेयर होता है। क्यूटिकल एक क्यूटीन सब्सटेंस से मिला बना होता है। क्यूटीन इज द वैक्सी सब्सटेंस, और उस क्यूटीन के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं, जो एपिडर्मिस के ऊपर होता है, जो वाटर के ट्रांसपायरेशन को कम करने का काम करता है। नहीं तो पूरा का पूरा पानी बहुत जल्दी प्लांट से खत्म हो जाएगा, तो प्लांट में भी डिहाइड्रेशन होने लगेगा अगर ऐसा नहीं रहेगा तो इसीलिए
ये प्लांट को क्यूटिकल जो है वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने का काम करता है, फिर भी यह लगभग 9% तक का पार्ट ये क्या करता है, ट्रांसपायरेशन में पार्टिसिपेट करता है। अबाउट 9% ऑफ 9% ट्रांसपायरेशन 9% ऑफ ट्रांसपायरेशन 9% ऑफ ट्रांसपायरेशन ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन, टोटल ट्रांसपायरेशन का 9% ये अकेले कवर कर लेता है। ये हुआ। चलिए अब क्यूटिकल के बाद में क्या है, लेंटिसेल। लिखेंगे स्मॉल पोर ऑन वुडी स्टेम कॉल्ड स्मॉल पोर ऑन वुडी स्टेम कॉल्ड लेंटिसेल विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज which help in gaseous exchange and transpiration। gaseous exchange में भी help करता है और transpiration में भी help करता है, help in gaseous exchange and transpiration। which help in gaseous exchange and transpiration लिख देंगे about 1% ट्रांसपायरेशन। ये कितना परसेंट करता है, टोटल ट्रांसपायरेशन का अधिक से अधिक 1% ट्रांसपायरेशन इसके थ्रू होता है। हो गया। अब चलिए अब हम लोग को थोड़ा इसी में ऑस्टोमाटा के बारे में जानना है। देखो ऑस्टोमाटा जो है, यहां तक हो गई बात। एस्टोमाटा आपको एनाटॉमी ऑफ प्लांट में भी बता चुके हैं बहुत अच्छे से। एस्टोमाटा जो है वो प्लांट के एपिडर्मिस लेयर पे होता है, यानी एपिडर्मल जोन पे होता है, और यह पैरेन्काइमा के सेल का बना होता है। यह एक स्ट्रक्चर है जिसमें तीन पार्ट मिले होते हैं। एक एस्टोमाटा में दो गार्ड सेल क्या होंगे, दो गार्ड सेल होंगे, और उस गार्ड सेल के चारों तरफ पेरिफेरल सेल होगा, और दो गार्ड सेल के बीच में एक पोर होगा जिसे एस्टोमाटल पोर कहते हैं, और सारा मिलाकर के कहता है एस्टोमाटल एपरेटस। तो और गार्ड सेल का जो शेप होता है वह किडनी शेप का होगा डाइकॉट में, और कुछ मोनोकॉट यानी जैसे ग्रास वगैरह या जनरली जो मोनोकॉट होते हैं उसमें डंबल शेप का होता है। नंबर ऑफ एस्टोमाटा 1000 से 6000 तक चला जाता है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में। चलिए ये सब चीज बातें लिखा देता हूं। पहले लिखेंगे एक हेडिंग दे देंगे एस्टोमाटा, लिखेंगे 1000 टू 6000 60000 1000 से 60000
1000 to 60,000 एस्टोमाटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑफ लीफ सरफेस, पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ लीफ सरफेस एंड टोटल पोर एरिया, टोटल पोर पोर एरिया एंड टोटल पोर एरिया इज 1 to 2%, टोटल पोर एरिया इज 1 to 2% ऑफ टोटल लीफ एरिया। ये जो पहला पॉइंट लिखे हैं, यहां पर एक लीफ आपको बनाया और इस लीफ में मान लो इस लीफ का कोई भी एक पार्ट यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, तो उसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर मान लीजिए, या 1 सेंटीमीटर लंबा है और यह 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर और यह भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लंबाई भी है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई भी है, तो इस 1 सेंटीमीटर लंबे और चौड़े इस लीफ एरिया में टोटल जो है 1000 से लेके 60,000 तक एस्टोमाटा हो सकते हैं। कितना? 1000 to 60,000 एस्टोमाटा हो सकते हैं पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके के साथ साथ हमने इसमें बात लिखाई कि टोटल पोर एरिया इज 1 to 2% ऑफ टोटल लीफ एरिया, तो जो जितना बड़ा लीफ का एरिया है उसका 1 से 2% पार्ट जो है वह पोर एरिया होगा, यानी उसमें स्मॉल पोर होंगे, स्मॉल पोर होगा तभी तो स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में गैसियस एक्सचेंज होने में मदद होगी, तो वह टोटल कितना है 1 से 2%। कहने का मतलब अगर यह 20 सेंटीमीटर का लीफ है तो इस 20 सेंटीमीटर के लीफ में 2 सेंटीमीटर एरिया का क्या होगा? पोर होगा, यानी टोटल जो पोर, कुछ पोर यहां कुछ यहां कुछ यहां कुछ यहां, तो सबको मिला करके यानी 1 to 2% ऑफ टोटल, तो जितना सेंटीमीटर एरिया है उसका लगभग उतना 1 से 2% तक पोर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, ईच एस्टोमाटा सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड सेल, ईच एस्टोमाटा सराउंडेड बाय, ईच एस्टोमाटा सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड सेल, 2 स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल, 2 स्पेशलाइज्ड सेल कॉल गार्ड सेल, दे हैव क्लोरोप्लास्ट, एंड सराउंडेड बाय, टू और मोर एपिडर्मल सेल कॉल्ड सब्सिडियरी सेल, अब ऐसे लिख देंगे गार्ड सेल, तो गार्ड सेल कैसा होता है? किडनी शेप का, ठीक है, और कहीं पर क्या होगा? डंबल शेप का। तो डंबल शेप का कहां होता है? ये खास करके कुछ मोनोकॉट में एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ग्रास दिखा दीजिए, ऐसे
अब लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एस्टोमाटा आर एस्टोमाटा कुछ अलग अलग भी टाइप के होते हैं, जैसे अल्फा अल्फा टाइप, ALFA, LFA, अल्फा अल्फा टाइप। इस टाइप के जो ऑस्टोमाटा होते हैं ओपन ड्यूरिंग होल डे एंड क्लोज ड्यूरिंग होल नाइट, पूरे दिन खुला रहेंगे और पूरी रात बंद हो जाएगा। ओपन ड्यूरिंग होल डे एंड क्लोज्ड ड्यूरिंग नाइट। ओपन ड्यूरिंग होल डे एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट, और रात के समय में क्या हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। दूसरा टाइप है, इसका एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल में डाल देंगे, अल्फा अल्फा टाइप के एग्जाम्पल में नाम एप्पल पी रेडिश, एप्पल पी रेडिश, मस्टर्ड टर्निप ग्रेप, मस्टर्ड टर्निप TURNIP टर्निप ग्रेप्स। नेक्स्ट लिखेंगे पोटैटो टाइप, सेकेंड पोटैटो टाइप, ओपन होल डे एंड क्लोज्ड नाइट, ओपन होल डे एंड क्लोज्ड नाइट। पोटैटो टाइप में लिख रहे हैं ओपन होल डे एंड क्लोज्ड नाइट, बट एक्सेप्शन फ्यू आवर, बट एक्सेप्शन फ्यू आवर इन इवनिंग ओपन, बट एक्सेप्शन फ्यू आवर्स इन इवनिंग ओपन, बट एक्सेप्शन फ्यू आवर्स इन इवनिंग ओपन। एग्जाम्पल में इसका पोटैटो टाइप में तो पोटैटो एग्जाम्पल है, ऑनियन एग्जाम्पल है और बनाना एग्जाम्पल है। तब लिखेंगे बार्ली टाइप, ओपन ओनली फॉर फ्यू आवर्स इन डे, ओपन ओनली फॉर फ्यू आवर्स इन डे। बार्ली टाइप में ओपन ओनली फ्यू आवर्स इन डे, दिन में कुछ घंटे के लिए ही खुलता है। एग्जाम्पल इसका मेज वीट और जो भी सीरियल्स होते हैं वो, मेज वीट या सीरियल्स प्लांट जो है वो। अब हेडिंग देंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्टोमाटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्टोमाटा यानी ऑस्टोमाटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है। एक्चुअली ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम होती है। दिन में ऑस्टोमाटा ओपन क्यों होता है वो देखेंगे और रात में क्यों क्लोज हो जाता है इस बात को देखेंगे। तो पहले लिखेंगे आप इस चीज को, हेडिंग देंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ऑस्टोमाटा, लिखेंगे हेडिंग दे दिया, लिखिए अब इसमें व्हेन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेज वाटर कम्स इन
when opening and closing of guard cell, water comes in and guard cell becomes turgid. Water comes in and guard cell becomes turgid. Turgid becomes guard cell, becomes guard cell becomes turgid, and stomata are open, and stomata are open. But whenever water moves out, yani pani nikal jayega jab guard cell se, but whenever water moves out, guard cell becomes flaccid, guard cell becomes flaccid and closed. And guard cell become flaccid and closed. ये हो गया. Next point लिखेंगे. According to one mole, ऐसे. According to next point में. साइंटिस्ट का नाम है. According to one mole. One mole. In the morning, chloroplast start photosynthesis. In the morning, chloroplast start photosynthesis. And sugar are produced. Which increase the osmotic concentration. Which increase the osmotic concentration of guard cell. Then water comes. Then water comes and guard cell becomes turgid. So stomata open. This theory was not accepted. इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया था. जो वॉन मोल का भी थ्योरी आपको लिखाया मैंने, तो लिख दीजिए दिस थ्योरी वाज नॉट एक्सेप्टेड. नेक्स्ट लिखेंगे सेकंड में. ये फर्स्ट कर दीजिएगा, जो वॉन मोल का लिखे थे वो फर्स्ट, अब सेकंड में लिखेंगे. sugar interconvention hypothesis. ये थ्योरी क्या कहता है? This theory is based on starch. STRCH होता है starch. And starch is absent in onion. This theory is based on, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ. This theory is based on starch, but
स्टार्च इज एब्सेंट ऑन या एब्सेंट इन ऑनियन. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. थ्योरी क्या था वो छोड़ दीजिए, ये बस आपको जानना था कि अभी एक स्टार्च इंटरकन्वेंशन हाइपोथेसिस आया. इसमें भी यही था कि जैसे अभी वॉन मोल वाला दिए थे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या बनेगा. एक्चुअल में समझो काम तो होता है इसी बेसिस पर, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. देखिए बेटा, आप एस्टोमाटा का डायग्राम अगर बनाए हैं तो आप जानते होंगे इस तरह से एस्टोमाटा होगा, ठीक है. अब ये जो गार्ड सेल है या प्लांट के जिस पार्ट में है वहां पर फोटोसिंथेसिस अगर हुआ, इस गार्ड सेल में दिन के टाइम पे क्या हुआ, ये क्लोरोप्लास्ट है इसमें, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा. इसके फोटोसिंथेसिस करने से क्या बन जाता है, इसके फोटोसिंथेसिस करने से यहां पर सुगर बन गया, सुगर या ग्लूकोज. अब आप जानते हो ग्लूकोज अगर ये बनाएगा तो ग्लूकोज बनने से सॉल्यूट बढ़ा है कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट. सॉल्यूट अगर इस सेल में बना तो इस सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि घटेगा. ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी कि ये बढ़ गया है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो वाटर को लेगा या देगा, वाटर को लेगा यानी H2O को ये अपने अंदर लेगा. तो जब H2O इसके अंदर बढ़ेगा तो बढ़ने से कोई चीज फैलता है या सिकुड़ता है, फैलेगा. यानी जब ये समझ लो कि दो गार्ड सेल हैं और गार्ड सेल इस तरह से जब पानी गया तो फूल करके इतने बड़े हो गए हैं, फैल गए हैं, और जब पानी नहीं है तो सिकुड़ेंगे, तो सिकुड़ेंगे तो इस तरह से हो जाएंगे तो क्लोज हो गया ना, और जब फैलेंगे तो क्या हो गया, ओपन हो गया. तो कहता है कि जब स्टार्च या फोटोसिंथेसिस होता है तो उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ने से उनके अंदर वाटर जाता है, जिसके वजह से एस्टोमाटा बिकम्स टर्जिड एंड ओपन. और जब रात का समय फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यानी कि जब पानी एस्टोमाटा से बाहर निकल जाता है, तो एस्टोमाटा बिकम्स क्लोज. इसी बेसिस पे था, बट ये जो है वो पूरी तरह से सब जगह एप्लीकेबल नहीं थे, इसलिए इट इज नॉट एक्सेप्टेड. लिख दीजिए दिस इज नॉट एक्सेप्टेड. अब देंगे एक्टिव पोटेशियम आयन ऑप्टिक थ्योरी. एक्टिव पोटेशियम आयन ऑप्टिक थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम आयन ऑप्टिक थ्योरी, एक्टिव पोटेशियम आयन ऑप्टिक थ्योरी लिखेंगे. गार्ड सेल गार्ड सेल राइजेज इन डे गार्ड सेल राइजेज इन डे दिन में ओपन होता है, जगता है, तो वही लिखना है. गार्ड सेल राइजेज इन डे ड्यू टू एसिमिलेशन ऑफ CO2, ड्यू टू एसिमिलेशन ऑफ CO2 Due to assimilation of CO2 in the photosynthesis and uptake of hydrogen ion and uptake of hydrogen ion
uptake of hydrogen ion. The higher pH, a starch is converted into, the higher pH a starch is converted into converted into इसको पेप बोलते हैं. पेप का मतलब होता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट. फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ब्रैकेट में कर दीजिएगा. converted into PEP, phosphoenol pyruvate, and PEP combined with CO2 and PEP combined with CO2 that convert into and PEP combined with CO2 that convert into OAA yani oxaloacetic acid and PEP combined with CO2 that convert into OAA oxaloacetic acid which change into malic acid which change into malic acid. Malic acid dissociated into malate ion. Malate and hydrogen ion. Malate and hydrogen ion. तब लिखेंगे. Efflux of hydrogen ion. EFFLUX. Efflux का मतलब होता है बाहर आना और influx का मतलब होता है अंदर जाना. तो यहां पर वही लिखना है. Efflux of hydrogen ion. And influx of potassium ion and influx of potassium ion influx of potassium ion influx of potassium ion form potassium malate which is stored in vacuole that increase osmotic concentration that increase osmotic concentration and water move in cell becomes turgid and stomata open. Water move in cell becomes turgid and stomata open. तो देखिए ये जो बातें हम लोगों ने लिखी है उसका मैं यहां पर फ्लो चार्ट में आपको दिखाता हूं. ऊपर में लिखेंगे ड्यूरिंग डे टाइम. दिन के समय में क्या क्या होता है.
जब दिन का समय है, सनलाइट पड़ेगा, तो क्लोरोप्लास्ट क्या होगा? एक्टिव। क्लोरोप्लास्ट एक्टिव होगा और साथ ही साथ CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा? हाई। तो लिखेंगे CO2 कंसंट्रेशन, यानी फोटोसिंथेसिस होगा तो CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज। ड्यूरिंग डे टाइम CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज। CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया? डिक्रीज। डिक्रीज क्यों हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस करेगा ना वो। फोटोसिंथेसिस मान लिया, नहीं भी पता चलता है, बस इतना समझ लो कि आप दिन के समय में खाना ज्यादा खाते हो कि रात में? दिन में। तो जब खाना खाओगे तो घर का खाना कम होगा कि बढ़े घटेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों भाई, दिन में यूज कर रहे हो ना, अपने खाने को खा रहे हो ना। तो ड्यूरिंग द डे टाइम CO2 का यूटिलाइजेशन करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए, तो CO2 का कंसंट्रेशन प्लांट में बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो यहां पर वही चीज है कि ड्यूरिंग डे टाइम CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज। जब CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा यानी फोटोसिंथेसिस होगा, तो मैलिक एसिड फॉर्मड इन गार्ड सेल। मैलिक एसिड फॉर्म इन गार्ड सेल। मैलिक एसिड फॉर्म इन गार्ड सेल, ठीक है। डिसोसिएट्स इनटू मैलेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब मैलिक एसिड जो बना है, तो मैलिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू मैलेट एंड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द हाइड्रोजन आयन आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द गार्ड सेल ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द गार्ड सेल। पोटेशियम आयन आर टेकन इन टू गार्ड सेल। पोटेशियम आयन आर टेकन इन टू गार्ड सेल। टेकन इन टू गार्ड सेल, ये हो गया आयन आयन एक्सचेंज। ओपी ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेज। ओपी ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेज ड्यू टू एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन एंड मैलेट आयन। एंड ऑस्मोसिस इंटू गार्ड सेल। एंड ऑस्मोसिस इंटू गार्ड सेल, बाकी इधर का इधर लिखता हूं। तो क्या था जो नीचे वाली बात है, उसको फिर से एक बार लिख देता हूं वहां पर, यानी एंड ऑस्मोसिस इनटू गार्ड सेल। एंड ऑस्मोसिस होने का मतलब गार्ड सेल में क्या जाएगा? पानी जाएगा। देखिए ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नहीं याद होगा, सब बेकार हो जाएगा। और इतना दिन से यही चीज आपको समझाते आ रहा हूं मैं, सॉल्यूट का बढ़ना मतलब डिफ्यूजन प्रेशर का बढ़ना या घटना, डीपीडी का क्या होगा, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ये सब याद रहेगा तभी आपको आगे काम आएगा। अब यहां पर आप अभी तक एंड ऑस्मोसिस नहीं समझ पा रहे हैं कि एंड ऑस्मोसिस क्या है भाई, अभी तक कुछ लोगों का जवाब नहीं आ रहा है।
सेल के अंदर पानी जाना एंडोस्मोसिस, सेल से पानी बाहर आना एक्सोस्मोसिस। अब सेल के अंदर जाना या आना दोनों मिला के क्या होता है? ऑस्मोसिस। यानी कभी भी वाटर का या किसी भी सॉल्वेंट का हायर से लोअर की ओर मूवमेंट होना और दोनों के मूवमेंट के बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, यानी अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हायर से लोअर की ओर जो वाटर का मूवमेंट होगा उसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। और जब सेल के अंदर पानी जाएगा तो एंड ऑस्मोसिस, सेल से पानी बाहर आएगा तो एक ऑस्मोसिस। अभी तक ऑस्मोसिस क्लियर नहीं होगा तो कुछ क्लियर नहीं हो सकता है। अब आइए और से स्टोमाटा ओपन और फाइनली स्टोमाटा ओपन। स्टोमाटा का क्या हुआ? स्टोमाटा ओपन हो गया। अब ऐसा क्यों? देखिए यहां पर अभी हमने आपको लिखाया था कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट प्लस CO2 मिलकर के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएगा, यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड डिसोसिएट होकर के इधर बन जाएगा मैलेट और इधर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। यानी मैलिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन निकलता है उसी को मैलेट कह रहे हैं। तो मैलेट और हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन सेल के बाहर जाएगा आउट ऑफ सेल, तो इसी को क्या कह दिए? इफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा तो उसके बदले पोटेशियम आयन उस सेल के अंदर आएगा, तो इसको क्या कह दिए? इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। अब ये पोटेशियम आयन और मैलेट आयन मिल करके, यानी पोटेशियम आयन और जो पोटेशियम आयन बाहर से सेल के अंदर आया था, ये दोनों मिल करके बना देंगे पोटेशियम मैलेट। क्या बनेगा? पोटेशियम मैलेट। और इस पोटेशियम मैलेट की वजह से जिस सेल के अंदर पोटेशियम मैलेट बनेगा वह पोटेशियम मैलेट के वजह से सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया उस सेल में। कौन से सेल में? तो गार्ड वाले सेल में। गार्ड सेल है ना अस्टोमाटा में, तो गार्ड सेल में क्या बन गया? पोटेशियम मैलेट। तो कहीं पे नमक बढ़ रहा है तो वो पानी लेगा कि देगा? किसी सेल में नमक बढ़ गया तो क्या देगा? पानी लेगा या देगा? वो पानी लेगा। क्यों भाई? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ गया, यानी सॉल्यूट का बढ़ना। कभी भी आपने चीनी पानी में चीनी को बढ़ा दिया तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा? पानी। इतना तो बुद्धि दे रहे हैं ना भगवान। तो उसी तरह बेटा ये समझो कि अगर वहां पर पोटेशियम मैलेट, समझ लो कि सॉल्यूट है, समझना क्या है, ये है ही, जैसे चीनी एक सॉल्यूट है, तो पोटेशियम मैलेट बढ़ गया मतलब वो क्या लेगा? पानी को लेगा। अब इसके अंदर पानी जाना स्टार्ट होगा, जिस सेल में पोटेशियम मैलेट है तो उसमें H2O जाएगा, जब H2O जाएगा तो इसी को क्या कहते हैं? एंड ऑस्मोसिस इनटू गार्ड सेल। इसी गार्ड सेल में पोटेशियम मैलेट बना था, तो जब पानी जाएगा तो वो फूलेगा कि सिकुड़ेगा? फूलेगा। तो टर्जिड होगा तो ऑस्टोमाटा क्या हो जाएंगे? ओपन। अब समझ में आई ऑस्टोमाटा क्यों ओपन हो रहा है? तो इसी बेसिस पर है, यानी ड्यूरिंग द डे टाइम CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज, तो क्या बन जाता है? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड डिसोसिएट होकर के बन जाते हैं मैलेट एंड हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर आउट, क्लियर लिखा है मैंने, आउट ऑफ द गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल से बाहर आएगा, एंड पोटेशियम आयन टेकन इनटू गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल के अंदर जाएगा। इसी को कहते हैं आयन एक्सचेंज। अब जब ये काम हुआ तो ओपी ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया गार्ड सेल पे, तो ड्यू टू एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन एंड मैलेट आयन। किसके वजह से? पोटेशियम आयन और मैलेट आयन की वजह से। तो जिसके वजह से जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो वो पानी को लेता है। सॉल्यूट का बढ़ना मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ना। इसीलिए सैटरडे को हम बताए थे आपको कि वाटर को, यानी सॉल्यूट को बढ़ाने से क्या क्या बढ़ेगा, डिफ्यूजन प्रेशर, DPD, वाटर पोटेंशियल,
ओपी पे क्या क्या इफेक्ट आता है, इसलिए मैंने सैटरडे को करा दिया था। तो यानी यहाँ पे सॉल्यूट बढ़ा दिए तो ओपी का वैल्यू बढ़ा, तो वो एंड ऑस्मोसिस करेगा, एंड ऑस्मोसिस करेगा तो वो एस्टोमाटा टर्जिड होकर के ओपन हो जाएगा। और यही इसका उल्टा काम होता है ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में सीफेंटेशन बढ़ जाता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से यहां पर जो पोटेशियम मैलेट बने था वो डिसोसिएट हो जाएगा। पोटेशियम आयन अलग और मैलेट अलग। पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर जाएगा और हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल के अंदर आएगा। अब मैलेट और हाइड्रोजन आयन मिलकर के मैलिक एसिड बनेंगे, मैलिक एसिड दोबारा से क्या होगा, मैलिक एसिड जो है वह बन जाएगा आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में, जिसके वजह से CO2 बन के निकलेगा, जिसके वजह से मैलेट आयन का जैसा ही कंसंट्रेशन डाउन होगा तो पानी उसमें से क्या होगा, निकलना स्टार्ट। अभी पानी ले रहा था, पानी बाहर आएगा, जब भी पानी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, वह फूला हुआ था अब सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ देगा तो क्या हो जाएगा, बन। तो ये होता है ड्यूरिंग द नाइट, और ये जो अभी लिखाया मैंने ड्यूरिंग द डे टाइम, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, देखो कोई डाउट है आप लोगों को तो बताओ पहले फटाफट, आप लोगों को कोई डाउट नहीं? ओके, इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी इसमें अभी और भी चीजें बाकी हैं, कल करा देंगे, नहीं तो रात में क्या होता है ड्यूरिंग द नाइट, अभी ड्यूरिंग द डे देख लिए ना, ऐसा तो जस्ट इसका उल्टा होता है, आप समझ भी सकते हैं लेकिन फिर भी करा देंगे कि ड्यूरिंग द नाइट क्या होता है, कि रात के समय में क्या ओपन क्या क्लोज होगा, तो उसके हिसाब से क्या होता है, तो वो देख लेंगे।
एग्जाम नहीं देना पड़ेगा तो आप लोग और खुशी हो जाओगे कि अच्छी बात है, चलो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं पेरेंट को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा।